नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, अस्थमा की बीमारी का इलाज होता है। तो अस्थमा यानी कि दमा, सांस लेने में परेशानी होना, बैठे बैठे सांस भर जाना, चलने फिरने में सांस फूलना, यानी कि सांस की शिकायत हो जाती है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम अधिकतर धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा बार बार लेने के कारण, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड तली फली चीज़ें खाने की वजह से, या फिर कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे बहुत पुरानी खांसी रही हो, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी रही हो जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, या बचपन में कोई नमूनिया बिगड़ जाने की वजह से कई बार चेस्ट में इन्फेक्शन रह जाता है जिसकी वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अस्थमा के लिए आज बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस BC2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फार्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की गोलियां होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।